मेरे ना दादे की अचानक डेथ हुई। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास तब किराया नहीं था ना। हाँ, मैंने इनके घर कॉल की, वहाँ से इसने बाइक में मुझे बुठाया और चौक में लेके आया। फिर आपने मुझे नाश्ता करवाया, नाश्ता करवा के इसने मुझे किराया दिया। दोस्तों कह रहे थे वो आपको नहीं मिलेंगे, आप जाओगे वो आपको पहचाना कर नहीं। इन्होंने मेरा मुझे मोबाइल भी दिया है, वो सारी सर्दी में मुझे याद है, वो नाश्ता कराया और मुझे तुमने जो पैसे दिए जाते हुए कराए गए। जी तो मेरा एक दोस्त इमरान है, साहिवाल से इनका ताल्लुक है। मैं यूनिवर्सिटी जब पढ़ता था तब ये जो है जिस होटल पर हम खाना खाते थे तो वहाँ ये तंदूर की जो है रोटियाँ लगाते थे, और इमरान का नाम है। हम काफ़ी सारी बातें आज इनसे करेंगे। वैसे मुझे याद आया, मुझे लगता है कि पुराने बंदों को और पुराने जो है मामलात को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज ये 5 साल के बाद मेरे मत्थे लगा है यूनिवर्सिटी के बाद, तो बड़ा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा फील हुआ है। मैं आपको इनकी स्टोरी भी बताऊंगा, कहानी भी बताऊंगा। ऐसे गरीब लोग मुझे क्यों पसंद है, आपको बड़ा लग रहा होगा ये बड़ा अमीर आदमी है। जो बंदा तंदूर पर रोटियाँ लगाता है या काम करता है, मुझे लगता है कि पैसे ना हों या सारी चीज़ें ना हों वो अलग है, लेकिन इंसान का दिल बड़ा हो। तो वैसे एक वाक़या सुनाता हूँ, इसको शायद याद होगा, लेकिन मैं हमेशा मुझे लगता है खुददार आदमी या ठीक आदमी या आप समझ लें कि सही आदमी जो है वो एहसान कभी नहीं भूलता। आ जाओ दोस्त, साथ ही साथ आपको रैंडम एकेडमी का टूर भी करवाता हूँ। ये कुछ फिजिकल के बच्चे खड़े हैं, मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता। ये कौन है? आप इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं एसईओ के, और एक वाक़या सुना देता हूँ साथ ही साथ। 2017 की बात है, मेरे ना दादे की अचानक डेथ हुई। सुबह तकरीबन 3 बजे का टाइम, तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, आपको याद होगा है ना। आज माशाल्लाह हमारे साथ यासर भाई बड़ा शर्माते हैं, जा रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे आदमी। अभी इन्होंने माशाल्लाह जो है आते ही नमाज पढ़ी और उसके बाद जाते ही आसी वाली क्लास में जा रहे हैं। एकेडमी की सारी जो है इसको टूर भी करवाएंगे। वैसे ये मुझे बड़ा पसंद है यार। दोस्त एक बार चुप कर जाओ, चले ये भी सुन लेंगे, पीछे से आ रहे हैं, इधर ही खड़े हो जाते हैं हम साथ, पीछे ये भी खड़े आ जाएंगे। तो हुआ क्या, 2017 की बात है, सुबह सुबह मेरे जो है दादे की डेथ हुई, और सुबह सुबह हमें निकलना पड़ा, हमें मराद मुझे निकलना पड़ा। मैं यहाँ नाम नहीं कोट करूँगा, कुछ मेरे दोस्त थे और वो हमारे साथ हॉस्टल आए थे। बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास तब किराया नहीं था, और इसका घर जो है वो एक चौक से काफ़ी जो है फासले पर था। हाँ, मैंने इनकी घर कॉल की, आपकी आप ही नहीं उठाई, और कभी अगर मेरा साहिवाल चक्कर लगा तो मैं आपको इसके घर का जो टूर भी करवाऊंगा, मैं वो सारा एहसान याद रखता हूँ। फिर क्या हुआ, धुंध थी, मैंने कॉल की, इसकी आपिनेस जो है उठाई, उन्होंने पिक करने के बाद उन्होंने इमरान को बताया कि ना उमेर की कॉल आई है तो आप चले जाएँ। ये बंदा धुंध, इतनी शदीद धुंध, ये बंदा बाइक लेके आया था, बाइक लेके आया, ये उस वहाँ पर हॉस्टल बहुत हमारा दूर था उस चौक से, वहाँ से इसने बाइक में मुझे बिठाया और चौक में लेके आया। फिर आपने मुझे नाश्ता करवाया, नाश्ता करवा के इसने मुझे किराया दिया, किराया देने के बाद फिर इसने मुझे बस पे बिठा दिया। इसने कहा मुझे पहुंच के बता दीजिएगा। मेरे बहुत सारे जिगरी यार, जिगरी दोस्त शायद ये वीडियो देखे, उनको शायद याद हो, मैं उनको कहता रहा मुझे छोड़ के आओ, लेकिन शायद मैंने इसको कॉल की। ये वो वाकता बंदा है, मुझे हमेशा याद रहता है, और बंदे को मेरे ख्याल एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, एहसान भूलना चाहिए। बहुत देर के बाद ये मत्थे लगा, थोड़ी सी आज हमें इसे भी मौके जो देते हैं मौका के बोल ले। अच्छा इमरान, कैसा है, कैसा फील हो रहा है आज, आप देख रहे हो यार क्या बना है माशाल्लाह, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ कि सारा वाक्य याद है? बिल्कुल याद नहीं, आज भी वही काम कर रहे हो? वही काम कर रहे हो, वही तंदूर पर रोटियां लगा रहे हैं। सही, गुड। ये पीछे लोग हैं, आप 5 साल से उधर की उधर ही हो, अगर ये लोग भी ऐसे लग रहे तो आप भी सारे के सारे उधर ही रहोगे, कभी भी तुसी नहीं बदलोगे। लेकिन यह कि अब आपने बदलना है, चीज़ों को करना है, अब आपकी तालीम नहीं है, चीज़ें नहीं है, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया। एकेडमी देखी, कैसा लगा माहौल? ऐसा लगा बहुत अच्छा, और इसको लग रहा था, वैसे वो भी बता ही दो, अब कैमरा चल रहा है, मैं जो तो एक थक गया हूँ मैं पकड़ पकड़ के, ये कभी मैंने व्लॉग नहीं बनाया ना, मुझे लगता है कि बनाना चाहिए, लग रहा था मैं जवाब नहीं दूंगा और मैं भूल जाऊंगा। आपके दोस्त क्या कह रहे थे, वो सारी बात बताओ। दोस्त कह रहे थे वो आपको नहीं मिलेंगे, आप जाओगे वो आपको पहचाने का नहीं। अच्छा, मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह पहचाने का जरूर, पहचाने का मतलब तो मुझे देखेगा पहचाने का जरूर, वो वक्त अपना नहीं भूलेगा। हाँ बिल्कुल, वो तब हालात बड़े नाजुक थे और तब सबके ही होते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत बार आपसे पैसे उधारे भी लिए हैं जी, और मैंने कई बार मेरा मोबाइल टूटा है, कई बार में मेरा मोबाइल गुम हुआ है, इन्होंने मेरा मुझे मोबाइल भी दिया है, मेरा ऑनलाइन पेपर थे तब भी इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। रंग काला हो, मुझे लगता है दिल काला ना ना हो तो सही रहता है, मतलब कि आप ठीक हैं और आप अगले बंदे के साथ सच्चे हैं, ठीक हैं। तो वो आज मुझे आप देखें ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, आप रिसेप्शन पे आके बैठे थे, मैंने कहीं इमरान आया,
सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में, शुक्रिया अदा है, और हमेशा हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, और कभी भी आपने पैसों को या चीज़ों को तरजीह नहीं दी शायद इसीलिए। बाकी आपका नंबर मैंने सेव कर लिया, जब भी आपने आना है मुझे मैसेज करके कॉल करके, अब तो रैंडम आपने चक्कर लगाया, ये पीछे लोग भी काफ़ी सारे हैं, हाथ खड़ा कर दो यार, वो कड़ा निशान होता है। और ये था वो वाकया, अल्लाह पाक मेरे दादे को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। बट वो सारा ये चीज़ याद है, वो सारी सर्दी में मुझे याद है, वो नाश्ता कराया और मुझे तूने जो पैसे दिए दाते हुए कराए गए, वो हमेशा याद है। इंसान को खुददार होना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, उसको याद रहता है हमेशा, ठीक है। आप भी इंटर्नशिप के बच्चों, कैसी क्लास जा रही है दोस्तों? कुछ लोगों ने यहाँ फसाद खड़े कर दिए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।